वीडियो अगर आपको मिल जाए तो दिखाने में आसान होगा, इसलिए हम लोग भी उसको छोड़ दिए हैं। जैपी बोली एम बोली इन बोलिशन डीलैमिनेशन इनग्रेशन ओके, ये सब जो टर्म्स है वो सब हो रहा है एंड इसीलिए ये आपका सेल्स मूव कर रहा है एंड दीज आर ऑल जेनेटिकली कोडेड, तो इसलिए ये सब प्री निर्धारित एक्टिविटीज होते हैं, ऑल कोडेड इन योर डीएनए। चलिए सो ना अब हम लोग लास्ट लेसन पे चले जाएंगे। तो जो मरूला है, मरूला जैसे जैसे बड़ा होगा, हमने क्या डिसाइड किया कि उसका खाने का भूख पड़ गया है तो अब वो एब्जॉर्ब करने लगेगा। तो इसीलिए अब जो ये एब्जॉर्ब करने लगेगा नरिशमेंट, तो जोना पेलुसिडा एक बाधा है ना, जोना पेलुसिडा दो इट इज परमिएबल बट फिर भी वो नहीं होने से ज्यादा परमिएबल होगा, तो इसीलिए एक तो टेंशन है जोना पेलुसिडा, बट चलो उसकी भी हम लगे हैं उसके पीछे। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, तो दूसरा प्रॉब्लम है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो अब वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिशन, तो यूट्राइन यूट्रस में आएगा तो यूट्राइन मिल्क मिल जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में आता है तो फैलोपियन सिक्रीशंस भी होता है, वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। चलिए सो इसलिए इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए टू लेयर्ड ब्लास्टुला ओके फ्रॉम ए सॉलिड मरूला। तो मरूला एकदम सॉलिड होता है एंड ब्लास्टुला टू लेयर्ड एम्ब्रियो होता है प्लस देयर विल बी ब्लास्टोसीट एक कैविटी ओके। सो द मरूला हैज टू टाइप्स ऑफ सेल्स, स्मॉल फ्लैट सेल्स एंड लार्ज शेप इनडेफिनाइट सेल्स। तो द स्मॉल सेल्स फॉर्म ए लेयर इनर टू द जोना पेलुसिडा नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोस मतलब नरिशमेंट, ब्लास्टोस मतलब एम्ब्रियोनिक, तो ये एम्ब्रियोनिक लेयर है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए उसका नाम ट्रोफोब्लास्ट रखा गया है। इट फीड्स द एम्ब्रियो एंड विल अल्टीमेटली फॉर्म प्लेसेंटा, तो ये उसका फंक्शन है, तो ये आपको याद होना चाहिए। द लार्जर सेल्स अटैच एट वन साइड ऑफ द ब्लास्टुला एंड फॉर्म द इनर सेल मास या एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर। तो ये जो सेल्स एक तरफ आके अटैच हो जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर सेल मास कहते हैं या एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर कहते हैं, क्यों, उसी से हमारा एम्ब्रियो बनेगा ठीक है। नाउ ये जो एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर जिस जगह होगा उस जगह का यूट्रस को हम डेसिडुआ बेसलिस बोलेंगे, क्योंकि वहीं से वो सोर्स ऑफ प्लेसेंटा होगा, इसलिए आफ्टर इम्प्लांटेशन जिस जगह माने जिसके सामने इनर सेल मास होगा दैट पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड डेसिडुआ बेसलिस। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेसिडुआ बेसलिस, इट इज द सोर्स ऑफ फूड, इट इज द टारगेट ऑफ प्लेसेंटेशन, अंडरस्टैंड। चलिए सो दीज सेल्स विल अल्टीमेटली फॉर्म एम्ब्रियो एंड इट्स फिटल मेम्ब्रेन्स। दिस टू लेयर्ड एम्ब्रियो इज रेफर्ड टू एज ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट। एन एम्प्टी फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज फाउंड नोन एज ब्लास्टोसिस्ट ओके। तो एम्प्टी क्या बोलने का जरूरत, ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट ओके, तो उसको हम ब्लास्टोसिल बोलेंगे। तो एंड इसलिए ब्लास्टुला का जो कैविटी है वो है ब्लास्टोसिस, तो वो जो भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है वो सब आके वहाँ स्टोर होता है ताकि एम्ब्रियो को टेंशन फ्री खाना मिल सके। अब हमारा ब्लास्टुला तैयार हो गया, अब हम चलेंगे गैस्टुलेशन ओके। तो गैस्टुलेशन जो विधि है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गैस्टुलेशन, इट इज द कन्वर्जन ऑफ द ब्लास्टुला टू ए थ्री लेयर्ड एम्ब्रियो नोन एज गैस्टुला। तो ये जो कन्वर्जन को हम गैस्टुलेशन कहते हैं। तो जो गैस्टुला है उसमें थ्री इंट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होगा एंड थ्री एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी होंगे ओके। तो यू विल फाइंड इंट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स एज वेल एज
extra embryonic layers. So extra embryonic layers will contribute in the formation of fetal membranes. Ab suppose main aapko bolun which is the kya mane first barrier of the embryo. पहला बैरियर ऑफ द एम्ब्रियो कौन है? कॉरियन, क्योंकि सबसे बाहर कॉरियन है कि नहीं? तो अगर आप एम्ब्रियो को देखोगे, सबसे आउटर मोस्ट कॉरियन है, तो उसको प्रोटेक्शन देता है सबसे पहले कॉरियन. बट अगर क्वेश्चन पूछा है विच इज द अल्टीमेट प्रोटेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो, तो इसका आंसर क्या होगा? एम्नियन. एम्नियन, तो उसका आंसर होगा एम्नियन. क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो एमनियोटिक फ्लूड के अंदर आ जाता है, इसलिए बच्चे का जो इमीडिएट सराउंडिंग में एमनियोटिक फ्लूड है विच इज सीक्रेटेड बाय एमनियन लेयर. अब उसके में एंड कॉरियन में काफी फासला आ गया है, एंड उस फासले को हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम. ओके, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम. अंडरस्टूड? तो ये जो गैप प्लस आपका दो दो सिलोम भी मिलेगा, आपको गैस्ट्रुला में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम भी मिलेगा, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम भी मिलेगा. ठीक है, अब यहाँ हमने पार्थेनोजेनेसिस डिस्कस आल्सो किया हुआ है. हाँ बोलो. से ये जो हम टू लेयर ब्लास्टुला बोल रहे हैं वो ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास है या हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट? नहीं, एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट, एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट. अभी तो ये ब्लास्टुला बना ही नहीं है ना. ओके, तो ये ब्लास्टुला बनेगा, अभी ये बनने का शुरुआत हुआ है. ओके, सो ये आपका दिस इज नॉट ए टू लेयर्ड एम्ब्रियो. ओके, तो इसके बाद बनेगा टू लेयर्ड एम्ब्रियो. फाइन, तो हमें जिस ब्लास्टोसिस्ट को कन्वर्ट करना है टू लेयर्ड एम्ब्रियो, फिर उसको कन्वर्ट करना है थ्री लेयर्ड गैस्ट्रुला. ओके, सो यहाँ इसलिए मैंने टू लेयर्ड ब्लास्टुला बोला है. ये ब्लास्टुला है बट इसमें अभी टू लेयर हुआ नहीं है, इसमें अभी टू लेयर बनाना पड़ेगा, फिर आगे जाएंगे. ठीक है, तो इसीलिए इससे टू लेयर एम्ब्रियो बनना वो भी ब्लास्टुलेशन ही है, उसको आप गैस्टुलेशन नहीं बोल सकते. ओके, यहाँ आपका ये जो घुसा हुआ है एक्चुअली पार्थेनोजेनेसिस. क्यों? बिकॉज आपका जो पार्थेनोजेनेसिस है वो एक क्या है, डेवलपमेंट विदाउट क्या है, डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो वो डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? सो दैट इज कॉल्ड योर आर्गिनोटोकी एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. चलिए, अब तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे क्लीवेज. तो ये हमारा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीवेज है, अलग अलग तरह का क्लीवेज है. एक है आपका होलोब्लास्टिक, एक है आपका मेरोब्लास्टिक क्लीवेज. तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज का कारण क्या है? बोलिए. दैट द एग हैज नो योक. तो जब अंडे के पास कोई योक नहीं है तो उसको हम बोलेंगे होलोब्लास्टिक क्लीवेज. ओके, एंड अगर योक है तो योक नहीं कटेगा क्लीवेज से. ओके, तो क्लीवेज कैन नॉट कट द योक. तो इसलिए जितना बड़ा योक होगा उतना इनकम्प्लीट क्लीवेज होगा. एंड ये जो इनकम्प्लीट क्लीवेज का प्रोडक्ट क्या है? सो दैट विल प्रोड्यूस ए क्या, ये एक बढ़िया सा प्रोड्यूस बनाएगा. अगर आप देखोगे ये डायग्राम देख रहे हो, तो ये जो है ये बॉल ऑफ सेल्स क्या है? सो दिस इज द एम्ब्रियो फाइलम. ओके, एंड ये जो नीचे जो है ये आपका योक है. तो देख रहे हो पहले ये वन था, अब ये टू सेल हुआ, फिर ये फोर सेल हो रहा है, एट सेल हुआ, बहुत सारे सेल हुए और बहुत सारे सेल हुए. तो ये क्या हो रहा है? ये इनकम्प्लीट क्लीवेज हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा अंडा कटा नहीं. अंडरस्टूड? बट यहाँ क्या हो रहा है? टोटल कट रहा है, टोटल. तो देख रहे हो, सो दैट इज वाई टोटल कट रहा है. So that is why ये complete cleavage है and ये incomplete cleavage है. Fine? चलिए, so yes. इतना सारा अलग अलग photograph मैंने आपके लिए collect किया है. So these are all meroblastic cleavages
एंड यहाँ आप क्या देख रहे हो, होलोब्लास्टिक फ्लूइड, टोटल डिवीजन होगा। अब ऑन द पैटर्न ऑफ क्लीवेज, तो रेडियल, बायरेडियल, स्पाइरल, बायलैटरल, मेरिडियोनल, ऐसे होता है। ओके, तो ये अलग अलग एग्जांपल्स है, ये भी आपको अभी याद रखने है, कोई जरूरत नहीं। स्पाइरल क्लीवेज कैसे होगा? वो कैसे होगा वो हम नहीं बताएंगे, तो आप क्यों पूछ रहे हो हमने से? चलिए, बिकॉज वो सब अभी है नहीं, तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं। स्पाइरल क्लीवेज कुछ नहीं होगा, जो ब्लास्टोमियर्स अरेंज होंगे वो एक स्पाइरली ऊपर जाएंगे, तो दैट इज स्पाइरल क्लीवेज। ओके, रेडियल क्लीवेज क्या है? अगर आप संतरा खोल दोगे, तो अगर संतरे का छिलका है जोना पेलुसिडा, तो जो संतरे का जो फ्रूट्स है दैट इज कॉल्ड व्हाट, सो दैट इज द ब्लास्टोमियर, तो वो रेडियल क्लीवेज है, चारों ओर अरेंज है। ओके, नाउ अगर रेडियल क्लीवेज का एक्सिस एग एक्सिस है, तो उसको मेरिडियनल क्लीवेज बोला जाएगा। ओके, तो इसलिए हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा पहला तीन क्लीवेज मेरिडियनल होता है, उसी तरह से होते हैं, बिकॉज ये सब अभी है नहीं, एंड ये सब अब उसको समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको फाइनल डायग्राम दिखाएंगे, तो मैं थोड़ी दिखाऊंगा कि वो घूम रहा है, आप कैसे मानोगे कि वो घूम रहा है? तो इसीलिए ये अगर वीडियोज हो तो इसको समझना आसान है, वरना सिर्फ फोटो देख के याद रखना है। तो कितना याद रखोगे? एंड आजकल ये आता भी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी से आएगा, तो ये सब कुछ नहीं आएगा। चलिए, एंड देयर इज ओनली वन चांस कि ओलंपियाड में आ जाए, तो उसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। चलिए, तो ये हमारा क्लीवेजेस हमने डिस्कस कर लिया, ये वाला। अब ब्लास्टुलेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो द मरुला रीचेस द यूट्रस ऑन डे 4 डे 5 ए ग्लाइकोजन, ये भी, ये सब वेरिएबल है, ये कोई फिक्स्ड नहीं होता है, ये एक जनरल डाटा होता है। ओके, एंड बुक्स में भी ये वेरी कर सकता है। एंड डे 4 डे 5 दिस विल बी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ग्लाइकोजन रिच सिक्रीशन ऑफ द एंडोमेट्रियल ग्लैंड पासेस इनटू द यूट्रस एंड देन इनटू द मरुला थ्रू जोना पेलुसिडा, दिस इज कॉल्ड यूट्राइन मिल्क, and along with nutrients it is stored in the cytoplasm of the blastomeres, it provides nourishment for the development of marula. At 32 cell stage the fluid enters the marula, collects between blastomere and reorganizes them around. To dekh rahe ho, to ye jo pani ghusa isne marula ke cells ko rearrange karne ke liye badhya kiya, and wo rearrange hoke kya ban gaye, they form a blastula, है कि नहीं? तो आपका इनर सेल मास अलग, ट्रोफोब्लास्ट अलग, एंड पानी भर गया किस में? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। ओके, तो नंबर ऑफ सेल्स इन द ब्लास्टोसिस्ट, ओके, ये वैरी करता है, ओके, इंक्रीजेस टू हंड्रेड्स, बट द साइज स्टिल रिमेन्स सेम, क्योंकि जोना पेलुसिडा इंटैक्ट। रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स होता है, तो ट्रोफोब्लास्ट एंड ये बन जाएगा अर्किया। तो ये फिर दोबारा हम लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप देखिए ये फोटोग्राफ्स है। ओके, अब इम्प्लांटेशन के लिए जाएंगे। तो इम्प्लांटेशन में सबसे बड़ा बाधा क्या है? द जोना पेलुसिडा, बिकॉज जब तक जोना पेलुसिडा है इम्प्लांट करना आसान नहीं है, तो इसलिए हमें हैच करना पड़ेगा। So that is why ab implantation jo hai attachment of embryo with the uterus, so the blastocyst remains free within the uterine cavity for about 2 days, and there before it attaches to the uterine wall. Okay, after 6 days of fertilization implantation occurs. Theek hai, to aapka 6 din baad implantation occur karega. Now inner cell mass lies close to the endometrium. ओके, ये हमने डिस्कस ऑलरेडी किया, एंडोमेट्रियम एनलार्जेस एंड बिकम्स मोर वास्कुलराइज्ड। तो हु इज मेकिंग दिस मोर वास्कुलराइज्ड? प्रोजेस्टेरॉन। तो समझ रहे हो, तो इसलिए 6 दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब कौन सा दिन है? अभी हम 21 या 22वां दिन का बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 21st और 22nd डे। अभी भी 4 दिन का हमारा टेंशन कवर है। Inner cell mass lies close, ho gaya. For implantation to occur, the zona pellucida must go. This process, the increase in the number of cells poses, okay, a pressure on the zona pellucida, which breaks one day. Kaun sa day? Not
नॉन। दिस इज रेफर्ड टू एज हैचिंग। एक बार हैच कर गया फॉलोइंग इम्प्लांटेशन द एंडोमेट्रियम इज नाउ कॉल्ड डेसिडुआ। देखो ये हैच कर गया, अब ये इम्प्लांट कर गया, तो ये जहां ये है तो इसको हम डेसिडुआ क्या बोलेंगे, डेसिडुआ बेसिलिस। अब देखिए तो जनरली यूट्रस के साइड वॉल्स में बच्चा अटैच होता है, बट कभी कभी ऊपर वाले में भी अटैच हो सकता है। तो अगर बच्चा ऊपर वाले अटैच है दैट इज फंडिक प्रेगनेंसी, ओके। अगर ट्यूब में है उसको ट्यूबल प्रेगनेंसी बोला जाता है, अगर बाहर हुआ उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है, ओके, आउटसाइड द क्या फेलोपियन ट्यूब। ये देखो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है एक्चुअली, बट एक एक डायग्राम हमारे पास है जिसमें फंडिक प्रेगनेंसी है। अब मैं आपको डेसिडुआ बोल दे रहा हूँ, बट ये काफी देर का शब्द है, डोंट थिंक कि ब्लास्टुला में ही डेसिडुआ बन जाएगा। सिंस मैंने डायग्राम बनाया है तो बता दे रहा हूँ, अब एक डेसिडुआ बोलूंगा तो सारे बता देने में दिक्कत क्या है, तो इसलिए ये थोड़ा पीछे दिए, एपेंडिडू का नहीं है, तो दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू डेज। तो डेसिडुआ बेसिलिस ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिका सेरोटिना, पोर्शन ऑफ एंडोमेट्रियम बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द स्ट्रैटम बेसिलिस ऑफ एंडोमेट्रियम। इट प्रोवाइड्स लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड लेटर बिकम्स द मैटरनल पार्ट ऑफ प्लासेंटा। ओके, क्योंकि आप जानते हो धीरे धीरे एम्ब्रियो खा जाता है एंड अंदर घुस जाता है, तो इसलिए माँ का कोई भी लेयर बचता नहीं है इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में प्लासेंटा का नाम हमने क्या डिस्कस किया था, हिमो कोरियल, मतलब माँ के तीनों लेयर गॉन एंड बच्चे का कोरियन होता, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अब उसके बाद जो पार्ट एक बार बच्चा अंदर आ जाए तो फिर यूट्रस उसको ढक देता है, तो ये जो कवर सा बना लेता है, अब देखो अब ये गिराना इतना आसान नहीं है, क्यों, अब वो यूट्रस के अंदर चला गया, समझ रहे हो। तो बच्चा कब गिरता था, जब इम्प्लांटेशन एरर था, पर अब तो बच्चा टिश्यू के अंदर घुस गया, अब इसको नोच के निकालना पड़ेगा, यू अंडरस्टैंड। सो नाउ दिस चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू फॉल इजीली, सो दिस इज कॉल्ड डेसिडुआ कैप्सुलरिस या डेसिडुआ रिफ्लेक्सा। उसके बाद अदर पार्ट ऑफ द यूट्रस, बाकी जो सारा यूट्रस है उसको क्या बोलेंगे, डेसिडुआ पैरिएटलिस, ठीक है। Now, as the embryo and the later fetus enlarges, the decidua capsule, अब देखो ये बड़ा बड़ा होगा, एक समय क्या होगा, ये capsularis जाके parietalis के साथ fuse कर जाएगा, तो जब fuse कर जाएगा, फिर body capsularis को हटा देगा, तो there is no more capsularis, okay? तो इसीलिए bulges and fuses with the decidua parietalis, thereby obstructing the uterine cavity. अब uterus में कोई cavity नहीं रहेगा, clear? After 8 days of fertilization, trophoblast divides into two layers. जो बाहर ये सब हम already drawing कर चुके हैं, जो बाहर वाला layer को हम क्या बोलते हैं, syncytial trophoblast, and अंदर वाले layer को cytotrophoblast. Okay? तो syncytial trophoblast is towards the uterus wall, and cytotrophoblast lies between syncytial and trophoectoderm. ओके, या इनर सेल मास आप कह सकते हो। यही सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट आपका क्या करेगा, प्लासेंटा बनाएगा, कोरियोनिक विलाई बनाएगा, फिर प्लासेंटा बनाएगा, एंड ये जितना जल्दी प्लासेंटा बन जाए वो रिलीज क्या कर देगा, बोलो, ह्यूमन कोरियोनिक, यस, एचसीजी। एचसीजी लगाने का जरूरत क्या है, क्योंकि अब जाने का वक्त आ गया है, किसका, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखो ये 8 दिन हो गया, तो 8 दिन आफ्टर 16 कौन सा दिन हो गया, 24, समझ रहे हो कि नहीं, 14 दिन को ओव्यूलेशन, एक दिन लग गया तुमको क्या, आपका मिलन में, फिर एक दिन लग गया फर्टिलाइजेशन में, तो 16th या 17th डे को फर्टिलाइजेशन होगा, प्लस 8 दिन जोड़ दो, so that is called 24-25 days. तो समझ रहे हो, तो इसका मतलब जल्दी से HCG दो, क्योंकि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, okay? So इसीलिए फटाफट
एचसीजी देना पड़ेगा। तो एचसीजी क्या करता है, एचसीजी हेल्प्स इन द मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम एंड हेंस क्या मेंटेन्स एंड हेंस मेंटेन्स प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन एंड हेंस मेंटेन्स क्या मेंटेन्स प्रेगनेंसी। ओके, तो अगर एचसीजी में डिले हुआ तो यहाँ एक ग्रीन पॉइंट लिख दिया जाए। ओके, एनी डिले क्या होगा, एनी डिले से क्या हो जाएगा बोलो, दैट इज मिसकैरेज। ओके, एनी डिले से मिसकैरेज, अंडरस्टूड। चलो फाइन, तो ये हमारा कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। ओके, ब्लैक। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स दैट लाई क्लोज टू द इनर सेल मास, उसको हम क्या कहते हैं, सेल्स ऑफ रॉबर। एंड ये क्या बनाएंगे इमीडिएटली, एमनियन लेयर। ओके, सो दिस विल प्रोड्यूस द एमनियन, दिस विल प्रोड्यूस द एमनियन लेयर। ओके, ये एमनियन बना लेगा। एंड एमनियन क्या करेगा, धीरे धीरे बच्चा एमनियन के अंदर घुस जाएगा, वो उसका प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अंडरस्टूड। नाउ ड्यूरिंग ब्लास्टुला ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्टिविटी अकर्स विद इन द अर्ली एम्ब्रियो टू एस्टेब्लिश सेल पोलैरिटी, सेल स्पेसिफिकेशन, एक्सिस फॉर्मेशन एंड टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। तो जैसे हमारा तेजस क्यूरियस है, सर कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ, अब ये कैसे है का उत्तर बहुत मेहनत से या मुश्किल से पता चलता है। अंडरस्टूड। तो लाइक दैट, मैंने कितना सुंदर प्री प्लानिंग है। सो दैट इज व्हाई फॉर्मेशन ऑफ ए बेबी is one of the most unique creations of God. माने how a cell जिसको कि आप देख नहीं सकते, अब तेजस एक giant नहीं है, वो 6.5-8 फुट का लड़का है। okay, इतना बड़ा बच्चा, but जब दुनिया में पहली बार आया था तो कितना बड़ा था, invisible, माने it was not visible to naked eye. तो ऐसा क्या उसमें था कि वो तेजस बन गया, ऐसा क्या उसमें डिफरेंस था कि वैसे एक और सेल से आत्मन बन गया, आशीषा बन गई, अर्पित बन गया, स्वयंभू बन गया। तो हाउ द डिफरेंस, सब तो साले एक ही सेल थे, ऑल वेयर ए सिंगल सेल। तो व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट इज द मिस्ट्री, व्हाट इज द केमिस्ट्री, ये चेंज हुआ। तो यही है आपका सीरियस एम्ब्रियोलॉजी जो हम नहीं पढ़ाएंगे। चलिए, देख रहे हो मैं अपना काम पहले बता दे रहा हूं। तो ये सब डायग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अब दोबारा नहीं देखेंगे, इसमें हमने बहुत सारा काम कर लिया है। अब हम चलेंगे लेयर्स बनाएंगे। तो ये देखो, ये सब आपका जो अलग अलग मूवमेंट है, कुछ तो मैंने दिखा दिया है, बट अदरवाइज gastrulation is formation of three germ layers. So gastrula is the embryonic stage in which three germinal intraembryonic, ye yaad rakhna, three intraembryonic germinal layers have been formed. It involves differentiation and movement of cells of a blastula from their original position to the site where they finally settle. Ab agar aap koi jo dance show dekhte ho, jaise abhi hum log ka jo ye nahi hota hai jo रिपब्लिक डे में हमारे यहाँ जो मैडम है रश्मिता मैडम, कितना सुंदर करते हैं वो जो प्रोग्राम्स, मैंने कभी किसी को रेड ड्रेस बना दिया, किसी को काला ड्रेस बना दिया, तो आपको पहले पहले समझ नहीं आता ये कर क्या रहे हैं, फिर सडनली आप देख रहे हो ये कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, एंड अल्टीमेटली आप क्या देखते हो, एक इंडिया बन गया है, एक वे ऑफ बंगाल बन गया, एक फ्लैग बन गया। अरे ये तो कौन किधर था, अब how they made that, so that was the training, and which boy will go where, kiske saath wo haath jodega,
लेफ्ट हाथ किसको देगा, राइट हाथ किसको देगा, कि हमारा अल्टीमेट चीज बनेगा, वो सब प्री प्लान था, है कि नहीं? सो लाइक दैट मैडम ओनली न्यू. हम लोग तो देख रहे सडनली 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 ये क्या हो गया एंड सो ऑन. ओके कि नहीं? उसी तरह जो सैंड आर्टिस्ट लोग करते हैं, अगर आप देखे होंगे, वो कुछ ना कुछ जैसे लाइन लाइन खींच देते हैं, फिर सडनली देखोगे एट द एंड ऑफ द डे कुछ बन जाता है. ओके, सो दैट इज द ब्यूटी. सो लाइक दैट, तो इट इन्वॉल्व डिफरेंशिएशन एंड मूवमेंट ऑफ सेल्स. ओके, नाउ एपिबोली, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स टू कवर अदर सेल्स, मतलब ये बाहर की तरफ माइग्रेशन होगा. इसमें कहीं भी दिया नहीं है फोटो एक्चुअली. एम्बोली, माइग्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल सेल्स फ्रॉम सरफेस इनटू द इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो. अंदर घुसना एम्बोली, ऊपर ऊपर चलना एपिबोली. अब एम्बोली अलग अलग तरीके का है, इनवेजिनेशन, इनफोल्डिंग और इन पुशिंग ऑफ द वेजिटल पोल ऑफ द एम्ब्रियो इन टू इट्स कैविटी. ये सब आपको पढ़ने का कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब अभी आता नहीं है. इनग्रेशन, इनवर्ड माइग्रेशन, देख रहे हो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसके लिए थोड़ा वीडियोस चाहिए, देखेंगे अगर मिल जाएगा तो मैं बता दूंगा. डीलेमिनेशन, इट इज अ प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ लेयर ऑफ सेल्स अकर, अलग अलग लेयर ऑफ सेल अलग अलग हो जाएगा. ओके, तो गैस्ट्रुलेशन इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ मॉर्फोजेनेसिस, तो ये सब हो रहा है. अब डेवलपमेंट ऑफ बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क, तो आपका इनर सेल मास डिवाइड करता है, उसमें दो अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं. बड़े सेल्स होते हैं वो एपिब्लास्ट बना लेते हैं, छोटे फ्लैट सेल्स होते हैं वो आपका क्या, दे फॉर्म हाइपोब्लास्ट. ठीक है, एज द, अब देखो ये हाइपोब्लास्ट जो है कलमनर सेल है बट उल्टा डायरेक्शन में है, माने फ्लैट है वो, इसलिए वो थिन एंड फ्लैट बनता है. ओके, एपिब्लास्ट क्यूबॉइडल है. अगर आप ड्राइंग में देखोगे एपिब्लास्ट पतला दिख रहा है, मोटा दिख रहा है, एंड हाइपोब्लास्ट पतला दिख रहा है. क्यों? क्योंकि वो उल्टा कलमनर सेल है, माने वो आपका जो लेंथ साइड में सो गया है, समझ आया? जस्ट लाइक मैच बॉक्स. नाउ डेवलपमेंट ऑफ एमनियन, तो हम जानते हैं एमनियोजेनिक सेल्स है आपका ट्रोफेक्टोडम में. एज द एमनियोटिक कैविटी एनलार्जेस, ए थिन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन एमनियन डेवलप्स, तो आपका एमनियन डेवलप करेगा from the epiblast. Okay, amnion forms the roof and epiblast. Okay, the forms the roof of epiblast, actually roof of epiblast, the sorry, theek hai tha, amnion forms the roof, yahan comma de dete hain, and epiblast the floor of amniotic cavity. Theek hai, to isliye agar aap amniotic cavity ko dekhoge, छत बनाएगा एमनियन एंड फ्लोर बनाएगा आपका एपिब्लास्ट. इनिशियली द एमनियन ओवरलाइज ओनली द बाइलैमिनर डिस्क, बट जैसे जैसे एम्ब्रियो बनेगा क्या होगा, वो एम्ब्रियो उसके अंदर घुस जाएगा. ओके, हाउएवर एज द एम्ब्रियो ग्रोज, द एमनियन इवेंचुअली सराउंड्स द एंटायर एम्ब्रियो, क्रिएटिंग एन एमनियोटिक कैविटी दैट बिकम्स फिल्ड विद एमनियोटिक. तो ये ऑल दिस डायग्राम्स यू हैव सीन. चलिए, उसके बाद ये हमारा जो एम्ब्रियो है, तो फिर हमारा जो एमनियोटिक्स जो तो बता चुके हैं, डेवलपमेंट ऑफ योक सैक. अब आपका जो एपिब्लास्ट सेल है वो एमनियन बना दिया, अब हाइपोब्लास्ट सेल्स क्या करेंगे, दे स्टार्ट माइग्रेटिंग एंड कवर द इनर सरफेस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट वॉल. तो समझ रहे हो? तो आप ये जो एपिब्लास्ट के सेल्स है ये धड़ाधड़ डिवाइड करेंगे एंड इनर टू क्या, ट्रोफोएक्टोडर्म एक लाइन बना देंगे. ओके, तो समझ में आया? तो एट द एज एंड माइग्रेट एंड कवर द इनर सरफेस ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट वॉल, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इनर टू द ट्रोफोएक्टोडर्म. ठीक है, उसके अंदर एक लेयर बना देगा, तो अब ये योक सैक बन जाएगा. सो द माइग्रेटिंग कलमनर सेल्स बिकम फ्लैट स्क्वैमस एंड मेक ए थिन एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, ओके, नोन एज एंडोडर्म. तो ये हाइपोब्लास्ट अल्टीमेटली एंडोडर्म बनेगा और क्या.
This exosomic membrane and the hypoblast form the wall of the yolk sac. ठीक है, तो जो diploblastic embryo, अभी double layer है तो diploblastic है, is now placed between the amniotic cavity and the yolk sac. हम एक eight जैसा diagram बना सकते हैं, तो ऊपर कौन है? Amniotic cavity, नीचे कौन है? आपका yolk sac. Okay? Now yolk sac is relatively empty. क्यों भैया? Why yolk sac is empty? बताओ. हमारा yolk sac empty क्यों है? Yolk की जरूरत है. हमारा yolk है नहीं. फिर एक बकवास आंसर करते हो. Because हमारा yolk है ही नहीं. Okay? तो yolk जिसमें होगा, उसमें yolk sac उसको store करेगा. पर हम लोग का योग नहीं है आद्या देवी जी. तो एग का जो फॉर्मेशन है वो बिफोर एम्ब्रियोजेनेसिस होता है ना आफ्टर एम्ब्रियोजेनेसिस? आप तो बता दो. हाँ, देखो कितना बड़ा गधा है तुम. अभी अभी तो तेलुगु भाषा में तुमको समझाया कि अब योक बने, योक सैक बना. अरे योक सैक बनेगा तभी तो उसमें योक घुसेंगे. तो ये जो योक सैक बच्चा बनने के पहले बन गया ना बाद में बना? बाद में बना. तो क्यों बेकार बात कर रहे? तो अब समझ में आया. इसलिए जो अंडा मेकिंग प्रोसेस है इट कमेंसेस आफ्टर बेबी. समझ रहे हो? इसलिए एम्ब्रियो अर्ली बन चुका है, इसीलिए कभी भी आपका खाली अंडा नहीं होता है. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम इन पोल्ट्रीज? हम उसको एग